Bye bye. До свидания. Bye bye. See ya. Ciao. 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 Dude. So long. It's like a football game. तुमने कहा अपना पिन नंबर लिख के दो, मैंने कहा कैसे पिन नंबर लिख के देता हूँ आपको मैं, तो हालांकि मैंने पिन दिया उनको, फिर फटाक से मैंने पिन चेंज किया अपना। इस भाई साहब के साथ इस बच्ची ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे सर भी हमारे लिए वीज़ा फ्री है, तो मतलब आपको वहाँ वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग? तो आज जा रहा हूँ बस ले ट्रेन लेके बेलग्रेड, बेलग्रेड जाना है, यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे 9:45। बाय बाय, दस विदानिया। बाय बाय, सी या। चाओ 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 चाओ। डूड, इट्स लाइक अ फुटबॉल गेम। गो गेम टाइगर। थैंक यू। ट्रेन स्टेशन या ट्रेन स्टेशन ट्रेन स्टेशन बेलग्रेड ट्रेन स्टेशन पहुंच। अटोबस का जरा जिंच का दो अटोबस नो नो अटोबस आ वोस वोस दा ए तो तो टैक्सी लेने का कारण था कि मेरे पास टाइम बचा हुआ नहीं है, तो फटाफट टैक्सी लेता हूँ। काफ़ी सस्ता है टैक्सी छोटे से शहर में, बेलग्रेड में महंगा है लेकिन यहाँ सस्ता है। यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रेन का रास्ता है, 2 किलोमीटर है और लग रहा है मुझे 80 रुपये के आसपास। ठीक है, ट्रेन बस मिस ना हो जाए, अगली ट्रेन बहुत लेट है फिर, इसलिए मैं ले लिया। आसपास का नज़ारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल शहर था ये उज्जैन शहर, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर कभी आप सर्बिया आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आओ। तो मैं आ गया हूँ ट्रेन स्टेशन, उज्जैन की ट्रेन स्टेशन है ये, 9:45 की ट्रेन है, ऑलमोस्ट 9:40 हो गया है। इस तरफ या इस तरफ होगा शायद। यार एक बड़ा बुरा सा एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पर मैं था और मैं कार्ड से पे कर रहा था, मेरे पास उतने कैश पड़े हुए नहीं है, मैं कार्ड से पे कर रहा था, तो इनका जो ना लॉक है पूरी तरह से, तो ये अपना मशीन बाहर दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा अपना पिन नंबर लिख के दो, मैंने कहा कैसे पिन नंबर लिख के देता हूँ आपको मैं, तो हालांकि मैंने पिन दिया उनको, फिर फटाक से मैंने पिन चेंज किया अपना। गजब है, किसी को पिन कैसे दे दूँ मैं, वो मांगने लगे, अब मैं क्या करूँ, लोग पीछे मेरे खड़े थे वो मेरे पर गुस्सा होने लगे, मैंने कहा यार पिन कैसे दे दूँ मैं किसी को, अपना ATM कार्ड का पिन मांग रहे थे वो मेरे से। चलो कोई नहीं, चेंज कर लिया, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए, अब मैं फटाक से चेंज कर लिया क्योंकि मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है बस सॉरी ट्रेन, खाने पीने को कुछ मिल जाए पता नहीं। दिस ट्रेन विल गो टू बेलग्रेड, बेलग्रेड ओके। बेलग्रेड पहुंच चुका हूं, ट्रेन ऑलमोस्ट आ गई, मैं रेडी हो चुका हूं। वही वरुण भाई का कॉल आया था, वो भी बेलग्रेड पहुंच चुके हैं, मैं भी पहुंच चुका हूं, चलो वो मुझसे पहले पहुंच चुके हैं, तो अब मैं फटाफट बस लेके जाऊंगा मोबिट लेके अपने हॉस्टल की तरफ, फिर उनसे आज वहां पे मुलाकात होगी, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। ऑलमोस्ट मेरा सामान पैक है, मैंने 2 पैक लिया था इस बार। तो भाई बेलग्रेड पहुंच चुका हूं, अब फटाफट जाता हूँ बस पकड़ूँगा, बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ खा नहीं पाया था यार सुबह से, कुछ खाऊँगा बेलग्रेड में, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे काफ़ी बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं यहाँ से, लेकिन ट्रेन मैंने पहले भी कहा था यहाँ पे सुपर स्लो है बस कंपेयर टू बस। बस उजीसे से यहाँ आने के लिए 2.5 घंटे का समय लेती है, ट्रेन ने 4 घंटे का समय लिया, तो फिर भी ट्रेन सस्ती है यहाँ पे, काफ़ी सस्ती है ट्रेन, मतलब आधे से भी कम है ट्रेन यहाँ पे। मैंने इसके लिए पे किया 400 रुपये, बस पे मुझे लगता है 800 से 900 रुपये, तो ट्रेन सस्ती है लेकिन थोड़ी स्लो है। तो बस नंबर 41 लेके आ गया, इस पार्क के बीचों बीच से जा रहा हूँ,
अच्छा खासा बड़ा पार्क लग रहा है ये तो। अब मैं यूज़ करता हूँ मूवबिट नाम की एप्लीकेशन है। ये मैं गलत क्यों जा रहा हूँ, ये सही जा रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर का रास्ता है। मेरा हॉस्टल जो है इसका नाम है हेडोनिस्ट हॉस्टल, तीसरा हॉस्टल में रह रहा हूँ ये बेलगेट में। मैं दो हॉस्टल में रह चुका हूँ, एक बलकान सोल, एक गुड पीपल डिज़ाइन हॉस्टल और एक ये है हेडोनिस्ट, लास्ट हॉस्टल है मेरा। आज 24 घंटे भी नहीं बचे मेरे इस शहर में। तो गाइज इसी के साथ सर्बिया की सारी वीडियोज़ ख़त्म होती है। और थैंक यू वेरी मच सर्बिया के सीरीज़ को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ तंजानिया में। मैं उसके बाद अगली वीडियो में आप देखोगे कि मैं फ़्लाइट लेके कतार एयरवेज की मैं आ जाता हूँ तंजानिया, जंजीबार आइसलैंड, तो वहीं पर हूँ मैं अभी। और अगले वीडियो से तंजानिया की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ये बालक मेरे को ये वीडियो बना के देख के काफ़ी उत्साहित हो रहा था और मेरे सामने आ गया था मुँह में क्या कर रहा है तू यार मैं वरुण भाई से मिला था, ये भाई साहब आने की कोशिश कर रहे हैं पूरी ज़्यादा वीडियोस में। कुछ बोलना चाहेंगे भाई, यू वांट टू से एनीथिंग? इस भाई साहब के साथ इस बच्ची ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे कैसी है तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने वरुण भाई के साथ वीडियोज नहीं बनाया पाया था। अरे भूल गया, पता नहीं थोड़ा सा भी याद नहीं रहा कि वीडियोज़ बनाने चाहिए। अगर मुझे और वरुण भाई को साथ देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप जाके उनके चैनल पर देख लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा उनकी वीडियोज़। और या फिलहाल सब कुछ सही है यहाँ पर। आज तारीख है 28 सितंबर, तो मैं सर्बिया में एक महीने के आसपास रहा था, 10 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक ऑलमोस्ट एक महीने हो गया था। और मैंने वहाँ पे पैसे खर्च किए थे, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने कितने पैसे वगैरह खर्च किए थे, तो मैं बता देता हूँ वहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने अराउंड खर्च किया था यार लेट से 20 से 21 हज़ार रुपये मैंने खर्च किए थे रहने में वहाँ पे, और 5-6 हज़ार रुपये मैंने खाने में खर्च किए थे, और 5-6 हज़ार रुपये आप मान लो मैंने बस में खर्च किए थे, बस और ट्रेन लेने में खर्च किए थे, उतना खर्च था नहीं। और मैं एवरेज बता रहा हूँ, तो मेरी जो सर्बिया की ट्रिप थी अराउंड 30-35 हज़ार रुपये के आसपास की थी एक महीने की, उसमें एकोमोडेशन खाना और रहना तीनों शामिल था। और मैंने सर्बिया में काउसर्फिंग भी की थी 4 रातों के लिए, कुछ रात मैं टेंट में भी सोया था, जो कि वीडियो मिसिंग है, पता नहीं वो वीडियो डिलीट हो गई क्योंकि मैंने मेमोरी कार्ड खो दिया था। ये वीडियो बिल्कुल बनाने लायक जगह नहीं है यार, काफ़ी हल्ला हो रही है यहाँ पे, क्या बताऊँ, फिर भी बना रहा हूँ। और साथ साथ मैंने खाना जो ऑलमोस्ट हॉस्टल में बनाया था, लोगों के साथ मिलके बनाया था, आपने देखा था। और बाहर से मैंने जो खाना खाए थे उतना, एक सर्बिया उतना भी एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। अगर आप बैकपैकिंग में ट्रैवल करो, बजट में ट्रैवल करो वहाँ पे, तो आप 1000-1500 रुपये के पर डे के अनुसार आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं पैसे कैसे मैनेज कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं बता दूं कि मैं पिछले फरवरी से जो मेरे YouTube से जो पैसे आते हैं, YouTube के एडसेंस से जो पैसे आते हैं, मैं वहाँ से मैनेज कर रहा हूँ। और इसके लिए मतलब इसे मैंने शॉर्ट में बताया, और अगर बात करूँ तो इसे मैं लंबे वीडियोस मतलब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा मैं किसी एक अलग से वीडियोस में। और या बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगले वीडियोज़ में आप देखो कि मैं ट्रेन लेकर मैं कतार जाता हूँ, कतार से मैं जंजीबार आता हूँ, और अभी तक मैं जंजीबार में ही हूँ। और ये जो प्लेन की जो कॉस्ट पड़ी थी मुझे, वो अराउंड 40 हज़ार रुपये के आसपास थी, काफ़ी महंगा था प्लेन, अराउंड 38 हज़ार समथिंग रुपये, काफ़ी महंगा था। बट मेरा यहाँ आने का एक मेन रीज़न था कि यहाँ पर कोविड नहीं है। यहाँ पर आप आगे वाली वीडियो में पता चलेगा कि आप यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहनता। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे देख लो काफ़ी लोग हैं, ये भाई साहब को ही देख लो, किसी ने मास्क नहीं पहना, यहाँ मत मास्क नहीं पहना है, तो यहाँ पर कोविड वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आने के लिए आपको कोविड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मेन रीज़न था कि मैंने इस कंट्री को चूज किया, क्योंकि सर्बिया में कोविड टेस्ट काफ़ी महंगा था, अराउंड 10 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये के आसपास था, तो वो मेरे पैसे बच गए कोविड टेस्ट नहीं करवाने के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया। और एक बात और आपको बता दूँ कि सर्बिया के बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे, सर्बिया हमारे लिए वीज़ा फ्री है, तो मतलब आपको वहाँ वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। साथ में तंजानिया वीज़ा अवेलेबल है, आपका प्रोसेस आपको आगे आने वाले वीडियोज में चलेगा पता प्रोसेस कैसा था तंजानिया की वीज़ा अरावल के बारे में। लेकिन सर्बिया वीज़ा फ्री है, मतलब वहाँ आपको वीज़ा चाहिए ही नहीं, जिस तरह नेपाल भूटान है उसी तरह सर्बिया भी है। बस सर नेपाल में और भूटान में आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्बिया में आपको चाहिए होता पासपोर्ट, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और सर्बिया का इमिग्रेशन आपने देखा ही कैसा था मेरा इमिग्रेशन वगैरह, बाकी सब मैंने वहाँ पर बता ही दिया था। या तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बता रहा था कि मैं वरुण भाई से मिला था, जो कि वीडियोस मैं नहीं बना पाया था, आपको उनके चैनल पे मिल जाएगा मेरे वो वीडियोस। दूसरी बात कि सर्बिया का वीज़ा के बारे में बता दिया, कितना मैंने सर्बिया में खर्च किया था। या अब वेलकम टू अफ्रीका बहुत जल्द होने वाला है, इस अफ्रीका को आप देखेंगे आप मेरी नज़रों से, बड़ी शानदार कंट्री यार। मैं पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पर हूँ और लोग
बड़े फ्रेंडली है यहाँ पर, काफ़ी फ्रेंडली। जिस तरह ही भाई साहब को देखो, आम खा रहे हैं अभी तक। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो स्वाहिली है, उनको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, बाय बाय। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।